देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY हॉस्पिटल में दो दिन पहले हुए बच्चे चोरी के मामले में गुरुवार देर रात पुलिस के डर से बच्चा चोर महिला ने बच्चे को संयोगितागंज थाने की सीढ़ी पर रखकर फरार हो गई। पुलिस अब थाने में लगे CCTV फुटेज के आधार पर बच्चा चोर महिला की तलाश कर रही है। इंदौर के संयोगितागंज थाने की सीढ़ी पर एक बच्चा रोता हुआ मिला था। पुलिसकर्मियों ने बच्चे के कपड़े के आधार पर उसकी पहचान कर बताया कि ये MY से चोरी हुआ बच्चा है, जिसके बाद बच्चे को MY हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है। चोरी हुआ बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। DIG हरिनारायण चारे मिश्र ने बताया कि थाने के CCTV फुटेज में महिला चोर बच्चे को सीढ़ी पर रखते हुए दिख रही है। संभवतः महिला ने पुलिस के डर से बच्चे को थाने पर लाकर छोड़ दिया। वहीं DIG हरिनारायण चारे मिश्र ने बताया कि महिला ने भले ही बच्चे को छोड़ दिया है, मगर महिला की तलाश जारी है। पूरे मामले को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया था, क्योंकि एक दिन के बच्चा जिस तरह के परिस्थितियों में अचानक वहां से गायब हुआ, उसको एक चुनौती के रूप में लेकर के पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। इसमें लगभग 450 वाहनों को चिन्हित किया गया जो इसकी परिधि में आते थे, क्योंकि वाहन के नंबर के साथ उसमें छेड़छाड़ की गई थी, स्पष्ट नंबर नहीं था। उन सभी लोगों से लगातार सख्ती से पूछताछ चल रही थी, जो भी संभावित उसमें व्यक्ति हो सकते थे। पुलिस के इस बढ़ते दबाव के कारण आज सुबह एक अज्ञात महिला ने थाने के बाहर गेट के पास में वहाँ बच्चे को छोड़कर वहाँ से भागना देखा गया उसका, और उसके बाद तत्काल उसको जैसे ही पुलिस को सूचना मिली उसे अस्पताल में पहुँचाया गया है। बहरहाल उस महिला के कुछ वीडियो फुटेज मिले हैं, ये बहुत हद तक संभावना है कि वही महिला हो जिसने वहाँ से एक बच्चे को गायब किया है। इस पूरे मामले पे महिला को पहचान के लिए टीमें बढ़ाई गई हैं। बच्चे की घर वापसी, बच्चे को घर लाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, और अब दूसरी प्राथमिकता उस आरोपी तक पहुँचाना जिसने बच्चे को गायब किया था। पूरे मामले में अब तक पुलिस 40 से अधिक जगहों पर CCTV फुटेज खंगाल चुकी है, जिसमें कई जगह के फुटेज में महिला के साथ दो पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी भी तलाश की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।